पतंजलि योग पीठ में श्रद्धेय स्वामी जी, श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज तथा स्वामी जी के गुरुदेव आचार्य प्रद्युम्न जी की माता जी मूर्ति देवी जी ने ध्वजारोहण किया। आज ध्वजारोहण के इस पवित्र अवसर पर श्रद्धेय गुरुदेव पूज्य आचार्य प्रद्युम्न जी की माता श्री भी हमारे बीच में है, वो भी आज के इस ध्वजारोहण में हमारे मध्य में है। यह हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य माता श्री इस कार्य में हमारे साथ में हो। पतंजलि योग पीठ के इस राष्ट्र यज्ञ में, भारतीय सनातन ज्ञान परंपरा की इस पावन अनुष्ठान में, राष्ट्र के मंगल में और लोक के कल्याण के इस पावन अभियान में लगे हमारे सभी भाई बहनों को स्वाधीनता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपके साथ सभी राष्ट्रवासियों को भी 67वें स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए हमें गौरव है 7 लाख से अधिक वीर वीरांगनाओं ने शहादत और बलिदान देकर के हमारे इस देश को आजादी दिलाई। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जिन 7 लाख से अधिक वीर वीरांगनाओं की बदौलत इस देश को आजादी मिली, स्वाधीनता दिवस पर उनको याद करने की भी, उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने की भी, उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने की भी नहीं सूझी। एक बहुत बड़ा सच यह है कि आजादी के 67 वर्षों के बाद भी चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, इन तमाम क्रांतिकारियों को सरकार ने आज तक भी आजादी के 67 वर्षों के बाद भी शहीद का दर्जा ना दिया हो। चाहे सरकार उनको शहीद ना मानती हो, लेकिन हम उनको आजादी का महानायक मानते हैं, उनको आजादी का मसीहा मानते हैं और उनकी राहों पर चलने के लिए संकल्पित होते हैं। कोई देश अपने वीर वीरांगनाओं की शहादत और कुर्बानी को कैसे भूल सकता है, लेकिन इस देश की सरकारें भूल गई। आज तक आजादी के 67 वर्षों के बाद तक उनको ना तो शहीदी का दर्जा दिया और ना उनके लिए कोई राष्ट्रीय स्मारक बना है। ये कितने दुर्भाग्य की बात है। आज हमारे प्रधानमंत्री भाषण देते हैं, लेकिन जिस महंगाई के कारण से पूरे देश में त्राहिमाम त्राहिमाम मची हुई, उस महंगाई, उस बेरोजगारी और पूरा देश का धन लूट लूट करके लाखों करोड़ रुपए विदेशों में और देशों में बेईमान लोगों की तिजोरियों में भरा पड़ा, उस काले धन के बारे में प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलते हैं। जब प्रधानमंत्री सत्ता में आए तो सत्ता में आने से पहले कहा था कि हम 100 दिन में काला धन देश को दिलाएंगे। आज करीब 5 साल बीत गए और ये उनका प्रधानमंत्री जो काल था उसका ही अंतिम भाषण था, और वैसे भी अब उनका अंतिम भाषण ही होगा क्योंकि आगे से भाषण देने के लिए ये देश अब उनका। लेकिन काला धन के बारे में प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलते हैं। लाखों करोड़ के घोटाले में उसके बारे में तो मुंह ही नहीं खोलते हैं। किश्तवाड़ में किस तरह से भारत की सरजमी पर हमारी सरकारों के आंखों के सामने ये पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया जाता है, कश्मीर के लाल चौक के ऊपर, ये कोई हम काल्पनिक बात नहीं कर रहे हैं। एक आजाद मुल्क का प्रधानमंत्री लाल किले से भाषण देता और उसके भाषण देने से कुछ दिन पहले ही हमारे ही सरजमी पर, जो भारत माता का माथा है कश्मीर, उसके लाल चौक पर ये
पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया जाता है और भारत का तिरंगा जला दिया जाता है। आज हमको संकल्पित होना है कि चाहे सरकारों ने कितना ही पाप किया हो, हम इस पाप को साफ करेंगे और देश को इंसाफ दिलाने के लिए हर गिज पीछे नहीं हटेंगे, पूरे जीवन की आहुति अर्पित करके भी अपने देश को आगे बढ़ाएंगे, ये संकल्प आज स्वाधीनता दिवस पर लेंगे। लगता है हमारे देश के प्रधानमंत्री एक नौकरशाह की तरह बर्ताव करते हैं, ये देश के लोकतंत्र का बहुत बड़ा अपमान है। इससे ज्यादा निराशाजनक भाषण देश के किसी प्रधानमंत्री का नहीं रहा जो आज आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने दिया। तो इस लुटेरे खानदान से देश को मुक्ति मिले उसके लिए सब लोग वोट करें और राजनीति की खोट को दूर करके एक आदर्श राजनीतिक व्यवस्था कायम करने के लिए भ्रष्टाचार मुक्त भारत, भ्रष्ट व्यवस्था से मुक्त भारत, काले धन से मुक्त, घोटालों से मुक्त भारत, इसके लिए स्वाधीनता दिवस पर सब संकल्प लें तो ही शहीदों के सपनों का, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह के सपनों का भारत बन पाए। सितंबर महीने से जब तक लोकसभा चुनाव होगा 9 महीने तक हम पूरे देश में जाएंगे, अलख जगाएंगे और इस भारत को दोबारा से विश्व की महाशक्ति बनाने के लिए, इस भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए जो अजय राष्ट्र रहा है भारत युगों युगों से, वैदिक काल से लेकर के रामायण महाभारत काल से लेकर के 18वीं शताब्दी तक जिस भारत का एक छत्र राज्य था पूरी दुनिया में, उस भारत को दोबारा से विश्व विजेता भारत के रूप में खड़ा करने के लिए हम स्वयं अपने जीवन की आहुति अर्पित करेंगे और करोड़ों लोगों को तैयार। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, अर्पित कर दो तन मन धन, मांग रहा बलिदान वतन, अर्पित कर दो तन मन धन, मांग रहा बलिदान वतन, उठे हुए माथे के सम्मुख, उठे हुए माथे के सम्मुख, ठहर न पाती हार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। बोल भारत माता की जय। तो आज आज स्वाधीनता दिवस पर आप सबको पुनः बधाई, शुभकामनाएं, और एक एक नागरिक को ऐसा पुरुषार्थ करना है जैसा पतंजलि योगपीठ में हुआ है। इस देश का निर्माण राजनीतिक पार्टियों ने नहीं किया, नेताओं ने नहीं, इस देश का निर्माण किया यहाँ के अन्नदाता किसान ने, यहाँ के भयदाता जवानों ने, यहाँ के मेहनतकश और उन प्रोफेशनल लोगों ने जिन्होंने इस भारत को अपनी माँ मान के इस भारत को परम वैभवशाली बनाने के लिए रात दिन पुरुषार्थ किया, उनकी बदौलत ये आज देश गौरव और स्वाभिमान के साथ खड़ा हुआ है। पतंजलि योगपीठ को भी आज इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए आप सब ने बहुत पुरुषार्थ किया है और अभी आगे गंतव्य हमारा बहुत बड़ा है। हमें मोक्ष को तो सिद्ध करना ही है, लेकिन मोक्ष को सिद्ध करने से पहले हमें धर्म को भी सिद्ध करना है, अर्थ को भी शुद्ध करना है, और जो हमारी सब कामना है कि भारत पुनः विश्व गुरु बने, विश्व की महाशक्ति बने, यह अजय राष्ट्र दोबारा से विश्व विजेता बने, यह कामना भी सबको पूरी करनी है और उसके बाद में अपने गंतव्य मोक्ष की ओर जाना है। और बिना अभ्युदय और निःश्रेयस को सिद्ध किए, बिना धर्म अर्थ और काम को सिद्ध किए मोक्ष की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। इसलिए मोक्ष की प्राप्ति तो हमें करनी है, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति से पहले हमें अभ्युदय निःश्रेयस को, हमें धर्म अर्थ और काम को भी सिद्ध करके इस भारत को पुनः परम वैभवशाली बनाना है, और इसके लिए आप सभी प्रतिबद्ध हैं, सब पुरुषार्थ रहते हैं, सब संघर्ष कर रहे हैं, और ये पतंजलि योगपीठ का इतना बड़ा सृजन जिससे आज करोड़ों करोड़ों लोगों के जीवन में नई आशा, नया विश्वास आया है। हमारे यहां पर जीवन दान को सबसे बड़ा दान कहा जाता है,
न जाने एक दो नहीं कितने हजारों लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में नई रोशनी जहां से आई है, ऐसा ये पतंजलि योगपीठ संस्थान और पूरे देश में फैला संगठन और उसमें लाखों लाखों कार्यकर्ता और करोड़ों करोड़ों जो उसके समर्थक इस अभियान के साथ में लगे हुए उन तमाम भाई बहनों को भी उनके निस्वार्थ सेवा के लिए उन सबको प्रणाम करता हुआ श्रद्धेय आचार्य श्री से आह्वान करूंगा कि वो भी आशीर्वाद के दो शब्द सबके लिए कहें।